सो हे गाइस, क्या हाल है आप सभी का। गाइस आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो हमारे गेम के अंदर OB14 का अपडेट आने वाली है वो आखिर गाइस कितने MB का आएगा, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उसके अंदर भाई क्या क्या चेंजिंग होने वाली। ठीक है, प्रॉपर गाइस मैं आपको समझाऊंगा जो मेन चेंजिंग होने वाली है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। तो थोड़ी सी लंबी सी वीडियो हो सकती है, 7 से 8 मिनट का हो सकती है, लेकिन आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर से देख लेना। सब कुछ गाइस मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी सिलेक्ट कर लेना। और हां गाइस, आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आपका फेवरेट जो कैरेक्टर है वो कौन सा है। ठीक है, अलोक है, के है, क्रोनो है, जो भी आपका फेवरेट कैरेक्टर हो गाइस आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। मैं अपना बताऊं तो गाइस मेरा फेवरेट 2 कैरेक्टर है, एक है क्रेजा लोक और एक है के करेक्टर। ठीक है, ये दोनों मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बाकी जैसे आप लोग जो भी यूज़ करते हो आप लोग कमेंट में ज़रूर से बता देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गैस सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे जो OB14 का अपडेट आने वाली है वो आखिर कितने MB का रहेगा। तो लगभग गैस आप सभी को 400 से 500 MB के बीच में रहने वाली है। ठीक है, और 3GB 4GB रैम के फोन के अंदर गैस आराम से मतलब ठीक ठाक चल जाएगा। बाकी गैस फर्स्ट अपडेट की ओर चलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जो फर्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो बहुत ही OP अपडेट है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो गैस आप सभी को पता होगा हमारे गेम के अंदर CS का न्यू सीजन आने वाली है 1 जून को। ठीक है, तो 1 जून को गैस आप सभी को न्यू जो रैंक सीजन आने वाले उसके अंदर गैस आप लोग 2 एक्टिव स्किल को यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गैस आप लोग देख सकते हो CS रैंक आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद गैस आप लोग इंटर करोगे तो यहाँ पे गैस आप लोगों को मतलब चॉइस करने को मिलेगा कि कौन कौन से करेक्टर आपको लेना है। ठीक है, यह सारे एक्टिव स्किल है, तो जो चाहे गैस आप लोग यहाँ पे कॉम्बो बना सकते हो और एक आपको एक्स्ट्रा मतलब मिल जाएगा करेक्टर की एबिलिटी। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप लोग क्रोनो और डिमेटी के साथ अगर आप लोग खेलते हो तो आप लोग फाइट भी करोगे और जो आपके फ्रेंड है, जो आपका बंदा है, वो आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा रिवाइव। ठीक है, एंड साथ में गैस अगर आप लोग यहाँ पे तात्सुया और युकोंग करेक्टर को लेकर आप लोग कॉम्बिनेशन बनाते तो भाई आप लोग देख सकते हो काफी मस्त आप लोगों को मतलब हो जाएगा स्किल एंड आप लोग जल्दी से रन रन कर करके गैस आप लोग एक दूसरे से जगह पे चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए गैस अभी बात कर लेते हैं हमारे दूसरे अपडेट की। तो भाई दूसरा जो अपडेट है वो भी काफी मस्त है। ठीक है, अब गैस आप लोगों को गुलल ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को गुलल मेकर आपको जो मतलब ढूंढना है और इसको यूज करके गैस आप लोग यहाँ पे गुलल और आप लोग ऑटोमेटिक है वो बना सकते हो। ठीक है, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गुलल मेकर ये है और इसका लिमिट रहेगा कि 1 से 4 के बीच में गैस आपको गुलल देगा, 4 से ज़्यादा गैस आपको गुलल नहीं देगा। ठीक है, लेकिन हाँ गैस अगर आपको इसका लेवल बढ़ाते हो तो 4 से भी ज़्यादा गैस आपको गुलवल है वो आपको मिल जाएगा। लेवल बढ़ाने का तरीका है कि आपको डैमेज देना है किसी भी बंदे को या फिर गैस आप लोग यहाँ पे चिप्स लेकर आप लोग इसे बढ़ा सकते हो इसका लेवल। ठीक है, 3 लेवल तक होता है और 3 लेवल में ज़्यादा आपको गुलल मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि हमारे जो गेम के अंदर है वो थोड़े से मैप में एडजस्टमेंट किया गया है, जैसे कि गैस आप लोग देख सकते हो राम विलेज है, V4 और 9 आपको दिख रहा होगा। इसमें भाई चेंजिंग ये किया गया कि एक दूसरे से वहां पे जाने पे थोड़ा से बीच में आता है पानी और पानी में भाई हम लोगों को चलना पड़ता है जिसके कारण हम लोग फाइट नहीं कर पाते, अच्छे से लूट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सीधा साधा गैस आप सभी को रास्ता मिलेगा जिससे आप लोगों को मतलब आराम से फाइट भी कर सकते हो और लूट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग हुआ है आप लोग कमेंट करके बताना आपको पसंद आया है या फिर नहीं आया है। मेरे को यार ठीक ठाक लगा क्योंकि गैस इसके अंदर ना बहुत ही मस्त हो चुका है एंड आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हो चलने में दौड़ने में गैस आप लोगों को थोड़े से जो मूवमेंट स्पीड है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। साथ में गैस यहाँ पे बात करेंगे वेपन एडजस्टमेंट का, तो ऊपर के जितने भी गन गैस आप लोग देख रहे हो सारे गन में गैस यहाँ पे जो एटवीड है उसको बढ़ा दी गई है और नीचे में घटा दी गई है। ठीक है, चलिए अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। उससे पहले गैस मैं आप सभी को बता दूं एक न्यू ऐप के साथ फ्री फायर का कोलैब हुआ है जिसके कारण गैस आपको फ्री के रिडीम कोड मिल रहे हैं और डायमंड भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा उसे आपको फॉलो करना है और ये कोई भी फेक ऐप नहीं, तो सभी लोग डाउनलोड करना, एंट्री को यूज़ करना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ।
गैस यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, मुझे मिल चुका है बिल्कुल ही फ्री में 1000 डायमंड। तो आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये 100% वर्किंग ठीक है, क्योंकि जो ऐप हुआ प्ले स्टोर पे एलिवल है ठीक है, फेक ऐप प्ले स्टोर पे नहीं रहता है। तो क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, लिंक आपको दोनों जगह मिल जाएगा कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर अभी। तो यहाँ पे क्लिक करके जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद गैस यहाँ पे टिक लगा के लॉग इन विथ OTP कर देना है, फिर OTP आएगा ऑसिलेट फोन के नंबर पे, तो यहाँ पे क्या कर लेना है, डाल लेनी है। डालने के बाद गैस यहाँ पे आप सभी को एक और स्टेप कंप्लीट करना है, नाम लिखना है, और ये दो टिक आपको दिख रहे होगा यहाँ पे लगा के गैस आपको साइन अप कर लेना है ठीक है। बस आपको साइन अप कराना है, साइन अप कराने के बाद आपको फ्री में मिल जाएगा, बेल आइकन आपको ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे क्लिक करना है, और 1000 डायमंड पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे UID डाल लेना है और रिडीम कर लेना है ठीक है। कुछ देर के बाद गैस आप लोगों को जो फ्री फायर का आईडी है उसके तक अंदर गैस आपको डायमंड मिल जाएगा। तो सभी क्या बात है गैस, हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी काफ़ी सही है, ठीक ठाक है ठीक है। यहाँ पे गैस आपको जाना है और क्यूक मैसेज के नाम पे गैस आप सभी को यहाँ पे एक न्यू सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये क्या है ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे गैस फ्री फायर वाले ने यहाँ पे कुछ नए नए चीज़ें हैं, नए नए वर्ड है वहाँ पर ऐड किया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी सही लगता है ना वो आपको ऐड कर लेना है, और आप लोग अपने फ्रेंड के साथ में वो मतलब जो चीज़ें आपको दिख रहा है यहाँ पर जो चीज़ें है लिखा हुआ है वो आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो ठीक है। मतलब ठीक ठाक है, नए नए चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनविटेशन के गैस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और लीडर बोर्ड भी गैस यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है। यानी बीयर रैंक CS रैंक आपका देखना है, लीडर बोर्ड कहाँ पे कौन टॉप पे है वो आपको दिख जाएगा। एंड बात कर लेते हैं गैस हमारे नेक्स्ट अपडेट की, तो गैस यहाँ पे देखो नेक्स्ट अपडेट में आपको जो बताने वाला हूँ काफ़ी मस्त है, एंड DJ आलोक जो भी फेवरेट जिसका है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मस्त है ठीक है। यहाँ पे गैस आप लोग देख सकते हो पहले वाला जो मतलब अभी वाला जो आलोक है अवेकिंग आलोक है उसको गैस यहाँ पे यूज करना है, और पीछे पीछे गैस यहाँ पे कुछ इस तरह का छूटेगा और आप लोग उस पे जाओगे तो भाई आपको HP मिल जाएगा ठीक है। ये अवेकिंग वर्जन है आलोक का, मुझे काफी मस्त लगा। साथ में गैस यहाँ पे बात करें कुछ करेक्टर की एबिलिटी के चेंजर के बारे में, तो यहाँ पे गैस आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऐसे करेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डेमेट्री है ठीक है। गैस अगर आप लोग यहाँ पे डेमेट्री गैस आप लोग OB40 के अपडेट के बाद आप लोग यूज करोगे तो गैस आपका जो करेक्टर है ठीक है वो ऑटोमेटिक तो रिवाइव होगा, साथ में गैस HP भी उन्हें मिलता है आपको पता ही होगा। और वहाँ पे गैस आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है, अगर आप लोग डाउन होते हैं उस वाले सर्कल के अंदर तो आपको कहीं पे क्लिक करना नहीं, ऑटोमेटिक गैस आपका है जो करेक्टर है वो यहाँ पे हो जाएगा रिवाइव ठीक है। साथ में गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो करेक्टर है गैस काफ़ी मस्त है, डेमेट्री करेक्टर, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगा। एंड उसके साथ साथ में गैस यहाँ पे कपेला भी करेक्टर है, उसकी थोड़ा अंदर चेंजिंग किया गया है। एंड आप लोग देख सकते हो जैसे गैस यहाँ पे कपेला से आप लोग किसी भी बंदे को रिवाइव दोगे तो थोड़ा सा उसका जो हीलिंग बेटा है वो आपको थोड़ा से मतलब एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन हीलिंग नहीं रहेगा वो थोड़ा अलग चीज़ रहेगा और थोड़ा से मतलब बूस्ट कर देगा करेक्टर को ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी मस्त लगा, एंड आप लोग बताना मैं आपको कैसा लगा। एंड इस पर मैं प्रॉपर सोच रहा हूँ OB14 का अपडेट के बाद यहाँ पे मैं आपको वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पे कैसे आप लोग देख सकते हो ये जो करेक्टर है ये कैसे आप लोगों को टीममेट के साथ ये यहाँ पे हेल्थ है वो शेयर करेगा ठीक है। तो ये बात हो चुका है करेक्टर की, अगर कैसे आपको वीडियो चाहिए कि OB14 के अपडेट के बाद जो जो करेक्टर के अंदर चेंजिंग हुआ है वो कौन मतलब क्या क्या चेंजिंग हुआ उस पर प्रॉपर वीडियो लाऊँ तो आप लोग कमेंट करके बता देना ठीक है। चलिए कैसे आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की, तो देखो कैसे जो नेक्स्ट अपडेट आने वाली है वो काफ़ी अलग है और नया है, और आप लोग बोल सकते हो अचीवमेंट सिस्टम ठीक है। गेम के अंदर भाई यहाँ पे न्यू सेक्शन ऐड किया जाएगा, इस पर क्लिक करना है, अचीवमेंट में जाना है। अब अचीवमेंट में जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे जाओगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप सभी को अचीवमेंट करना है, यानी कि आपको कुछ मिशन दिया जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको जाना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा CS रैंक में आपको इतने किल करना है, ये करना है, इसके बदले भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। एंड आप लोग यहाँ पे टाइटल भी अपने प्रोफाइल पे लगा सकते हो अचीवमेंट का ठीक है, काफ़ी मस्त लगेगा। एंड आप लोग देख सकते हो इतने सारे टाइटल है, तो जैसे जैसे कैसे आप लोग मिशन को कंप्लीट करोगे फिर उसके बाद आपका जो टाइटल है वो अनलॉक हो जाएगा ठीक है। तो ये मेरे को काफ़ी मस्त लगा अपडेट। एंड साथ में कैसे यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हो इस बार का जो OB14 का अपडेट के बाद जो आने वाली है लॉबी वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा ठीक है। आप लोग यहाँ पे बाहर नहीं जाओगे, डायरेक्ट कैसे आप लोग लॉबी के अंदर रहोगे, साथ में कैसे आप लोग जैसे टाइम हो जाएगा तो डायरेक्ट कैसे आप लोग एरोप्लेन पे चले जाओगे ठीक है। कहीं भी आना जाना नहीं होगा, बस आप लोगों को इसमें पैक रहना है और टाइम होगा उसके बाद कैसे आप लोग एरोप्लेन में डायरेक्ट दिख जाओगे ठीक है। तो ये भी मेरे को सही लगा, ठीक ठाक लगा। तो इतने सारे अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया है, साथ में कैसे आप लोग ये भी अपडेट को देख लो, कैसे यहाँ पे बैकपैक के अंदर कैसे
यहाँ पे क्या होता है कि इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप देखो गाइस यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद जो भी चीजें आप लोगों को फेंकना है वो डायरेक्ट भी फेंक सकते हो, साथ में गाइस आप लोग इस तरीके से भी फेंक सकते हो, ठीक है। ड्रॉप पे करना है क्लिक और यहाँ पे गाइस आप लोगों को मान लो कोई भी जो गोली है उससे थोड़ा से 40 फेंकना है, फिर 20 फेंकना है, तो ऊपर नीचे करके गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 60-80 बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये इतने सारे अपडेट था गाइस मैंने आपको बता दिया है। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ मतलब जो अपडेट आने वाली ना वो गाइस आने वाली 9:30 बजे, ठीक है। और 9:30 बजे के बाद गाइस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे या फिर 5 बजे तक अपडेट रहेगा, बाकी गाइस मैं आपको कल इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।